हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप शर्मा, आपका होस्ट और अपने चैनल फंडामेंटल नेचर बॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कई दोस्तों की क्वारीज आई थी कि आप अपने जो लोटस आपने लगाए हैं उसका अब हाल बताइए कि क्या है। तो मैंने उन सबको बताया था कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी आपका लोटस का प्लांट जो है वो दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से खिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये मेरा एक छोटा सा जो एक लगाया था, एक वो तीन लगाए हैं मैंने, तीन जगह पे हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये पहला आप देख रहे हैं, ये काफ़ी लश ग्रीन है, पूरा भर चुका है, इसके पत्ते भी बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड वन। लीजिए दोस्तों, ये है दूसरे वाला सेकंड, और ये देख रहे होंगे पानी इसका बहुत बहुत ज़्यादा साफ है, और इसके अंदर एक मछली भी है, और इसके आसपास काई भी जमी हुई है। इसको मैंने ऐसे नेचुरली रहने दिया है, जो इसकी काई है उसको बिल्कुल नहीं निकाला है। पहले मैंने इसमें एक लोटस लगाया था, वो सारा काई से कवर हो गया, ग्रीन एल्गे सारी इसको कवर कर लिया था, और मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया। इसमें दोबारा मैंने लोटस लगा दिया और वो उसके साथ ही सर्वाइव कर रहा है, और पानी बहुत साफ़ है। तो ये एक नेचुरल सा है, इसमें मैंने कुछ भी चीज़ जो है वो नहीं की है। हाँ, इसमें मैंने एक फ़िश डाली है तो जो बहुत जल्दी ही शायद बच्चे देगी, तो ये एक अलग से रखी हुई है। उसके बाद मैं वो फ़िश को उठा के बड़े पॉन्ड में डाल दूँगा, और इसमें इसके बच्चे रहेंगे जो काई को खाएंगे और बढ़ेंगे। तो चलिए अब मैं दिखा देता हूँ आपको अपना बड़े वाला पॉन्ड। तो फ्रेंड्स, ये है बड़े वाला, ये एक तकरीबन 50 लीटर का ड्रम है जिसमें ये मैंने लोटस के प्लांट लगाया हुआ है। इसके अंदर दो प्लांट्स हैं, अलग अलग जगह पे मैंने अंदर कर रखे हैं, और काफ़ी सारी इसमें मछलियाँ भी हैं। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, और जैसे ही गर्मियाँ आ रही हैं आप देख रहे हैं इनके पत्ते बड़े बड़े होने शुरू हो गए हैं। तो मैं अपने दोस्तों को कहूँगा, कई सारी क्वारीज फ्रेंड्स ने डाली थी, उसमें उन्होंने पूछा था कि भाई पत्ते सड़ रहे हैं और लाल हो रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कमल का पौधा आपका जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन और बढ़ता जाएगा, बड़े बड़े पत्ते इसके होते जाएंगे। बस करना ये है कि पानी इसमें ऐड करते रहिए, पानी आप देख रहे होंगे ग्रीन है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें मछलियाँ हैं, वो इस ग्रीन वाटर के अंदर बहुत खुश रहती हैं। सराउंडिंग में आप देख रहे होंगे वाइट कलर का, ये देख रहे हैं, ये वाइट वाइट हो जाता है ये पानी जब नीचे होता है, तो जो सॉल्ट या और जो मिनरल्स हैं ये जब पानी जब बढ़ता है, मैंने देखा है कि ये मछलियाँ इसको खाती हैं, तो बहुत खुशी खुशी खाती हैं। और इसमें इसी में पत्ते हैं, जैसे ये पत्ते देखें आप सड़ रहे हैं, तो इन पत्तों को भी ये खाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने पौन की अपने कमल के पौधों की जो प्रोग्रेस है वो मैंने आपको दिखा दी है, जो जो दोस्त कमल का पौधा जिन्होंने लगाया हुआ, मैं होप करता हूँ कि उनको वो जानना चाह रहे थे कि क्या हाल है अब। तो वो सर्दी के जो जो सर्दी थी उसके उससे ट्रॉमा से निकल आए हैं, और अब ये दोबारा फ्लरिश हो रहे हैं, और जब फूल निकलेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर तो करूँगा ही करूँगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।